हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया एसएमएमके में। सो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज ये है कि आज भी छात्रों की जो स्कॉलरशिप है वो पीएफएमएस पर अंडर प्रोसेसिंग बैंक शो हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल हम इसी के बारे में बात करेंगे, आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे, प्लस आपको बताएंगे अगर आपका अमाउंट स्कॉलरशिप का पीएफएमएस पर अंडर प्रोसेसिंग बैंक शो नहीं हो रहा तो वो कब तक शो हो जाएगा। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लीजिए, उससे फायदा ही होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, प्लस आपको बताऊंगा कि अगर आपका अमाउंट पीएफएमएस पर शो नहीं हो रहा तो वो कब तक शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहां पे सर्च करना है सरकारी जॉब फाइंड। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। जैसे ही आप इस पेज पर पहुंचेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको सिंपली sarkarijobfind.com पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पहुंच जाएंगे, जहां पे आप लोग गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पढ़ सकेंगे, प्लस आप लोग यहां से यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस, पीएफएमएस का स्टेटस भी देख सकेंगे और जान सकेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप अंडर प्रोसेसिंग बैंक शो हो रही है या नहीं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं स्क्रीनशॉट की तरफ और आपको बताते हैं कि किन छात्रों की स्कॉलरशिप पीएफएमएस पर शो हो रही है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनकी दो इंस्टॉलमेंट आई हैं। एक आई थी इनकी 24 फरवरी 2021 को 14,400 रुपए और यहाँ पे इनकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट 22,560 रुपए जो कि इनकी आज शो हुई है। इन्होंने आज सुबह जब चेक किया तो इनका जो अमाउंट था वो अंडर प्रोसेसिंग बैंक CBS शो हो रहा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 22,560 रुपए इनकी स्कॉलरशिप आई है और ये बीटेक के छात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रेडिट डेट और बैंक ट्रांजेक्शन डेट जो है वहां पे लिखा हुआ है 01/01/0001। जी हां दोस्तों, और इनकी जो कैटेगरी है वो है एससी कैटेगरी। यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं, वो ये कि अभी फिलहाल सिर्फ एससी कैंडिडेट्स की स्कॉलरशिप आ रही है, एससी कैंडिडेट्स की स्कॉलरशिप पीएफएमएस पर शो हो रही है। माइनॉरिटी, ओबीसी और जनरल की जो स्कॉलरशिप है वो आपकी 26 मार्च से आएगी। जी हां दोस्तों, यहां पे आप लोग एक और स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इनकी 32,378 रुपए अंडर प्रोसेसिंग बैंक है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं बैंक की ट्रांजैक्शन डेट और क्रेडिट डेट जो है वहां पे 01/01/0001 है, यानी कि जब ये अमाउंट इनका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तो यहां पर इनकी डेट आ जाएगी, जिस डेट में भी इनका जो अमाउंट है वो बैंक में क्रेडिट होगा। फिलहाल इनका जो अमाउंट है वो अभी अंडर प्रोसेसिंग बैंक है। ये बैंक का प्रोसेस होता है, इसमें 7 से 8 दिन लग जाते हैं, तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा छात्र कमेंट्स करें, क्वेश्चन करें कि हमारा अमाउंट अंडर प्रोसेसिंग शो हो रहा है तो बैंक अकाउंट में कब तक शो होगा। तो ये बैंक अकाउंट में 7 से 8 दिन लग जाते हैं, तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो बचे हुए छात्र हैं उनकी जो स्कॉलरशिप है वो 26 मार्च से आई है, और कोई और अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।